सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम रिवीजन कर रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें हमने आपके पहली यूनिट का पूरा रिवीजन कर लिया है और आपकी दूसरी यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम उसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में अति लघुत्रीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में जैसा कि आपको पता होता है कि सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, तो इसी से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से ही जुड़े क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आने वाला है और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी प्रश्नों को। इसमें पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी हैं, तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आने वाला है कि इस चैप्टर से कैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सभी प्रश्नों को। देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न संख्या 35 है, रैम एवं रोम में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है जबकि रोम जो होता है वह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। रैम दोस्तों आपको पता होगा, अगर रैम रोम में आपको अंतर समझना है तो आपके मोबाइल में रैम होता है और एक होता है मेमोरी जिसमें आपकी फोटोज वगैरह सेव होती हैं। और रैम में क्या होता है, रैम में जो प्रोसेस जो ऐप आप चलाते रहते हैं वह चीजें खुलती हैं। तो दोस्तों एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे आप मोबाइल तो ये जो रैम में चीजें होती हैं, रैम में मतलब कि जो एप्लीकेशन चल रही होती हैं, तो आप अगर दोबारा खोलेंगे कि क्या क्या हम चला रहे थे तो वह आपको नहीं दिखेगा, बल्कि जो आप फोटो वगैरह पहले अगर लिए होंगे तो वह फोटोज और वह सभी चीजें आपको दिखेंगी। तो यही आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि रैम जो होती है वह अस्थाई मेमोरी होती है कंप्यूटर में और रोम जो होती है वह अस्थाई मेमोरी होती है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, यही यहाँ पे रैम का पूर्ण नाम पूछ रहा है। रैम का पूर्ण नाम आपको मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यही आपको लिख देना है। यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 37 है, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में आपसे दो अंतर पूछा है, तो दो अंतर देख लीजिए आप। यह मेमोरी अर्धचालक मेमोरी होती है, मतलब दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी जिस पे बेस्ड होती है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह सेमीकंडक्टर्स पे बनी होती है। और देखिए सेकेंडरी मेमोरी होती है, इस मेमोरी में मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल मेमोरी को सम्मिलित किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जो सीडी होती है, ड्राइव होती है, यह सब क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यह आपका पहला अंतर हो गया कि यह अर्धचालक मेमोरी होती है और यह मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल मेमोरी होती है। अब देखिए दूसरा अंतर है, प्राथमिक मेमोरी का दूसरा नाम मुख्य मेमोरी है। अब दोस्तों प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसमें आप सरल अंतर और लिखना चाहें तो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है वह अस्थाई मेमोरी होती है और द्वितीयक मेमोरी जो होती है वह अस्थाई मेमोरी होती है। तो यह भी आप यहाँ पे अंतर में लिख सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, कीबोर्ड के मुख्य भाग को लिखिए। तो देखिए कीबोर्ड में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, तो सबसे पहला तो होता है अल्फा न्यूमेरिक की, मतलब कि ऐसी कीज जो ए बी सी डी आप देखते होंगे, ए बी सी डी ये सारे जो कीज होते हैं अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक 1 2 3 4 यह जो होते हैं यह कीबोर्ड के अल्फा न्यूमेरिक भाग इनको हम लोग बोलते हैं। और फंक्शन की होती हैं, तो आप देखे होंगे कि F1 इस प्रकार, F2
इस प्रकार F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। तो यह कीबोर्ड का दूसरा भाग और कर्सर कीज होती हैं, जो आप देखते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो ये कीज जो होती हैं इन्हें हम कर्सर कीज बोलते हैं। और कंट्रोल आपने देखा होगा, कंट्रोल की होती है। तो यह चार मुख्य भाग होते हैं कीबोर्ड के। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रोसेसिंग स्पीड से आप क्या समझते हैं। तो प्रोसेसिंग स्पीड यह बताती है कि कोई भी सूचना किस गति से प्राप्त हो रही है, समझी जा रही है तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रही है। अब दोस्तों आपको पता है कि हम लोग डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, फिर उस डेटा पे प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन में कि प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है। तो वह जो डेटा पे कार्य होने की गति होती है दोस्तों, जो स्पीड होती है, उसी को हम लोग प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। अब प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना होता है। तो सूचना किस गति से प्राप्त की जा रही है, समझी जा रही है तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रही है, यही होता है प्रोसेसिंग स्पीड। अब देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट जो होती है वह प्रोसेसिंग को कंट्रोल करती है। अब एक साथ आप लोग कंप्यूटर को कई सारे टास्क दे सकते हैं, जैसे आप ब्राउजिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने बैकग्राउंड में म्यूजिक चला रखा हो। तो इन सभी जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है वह कंट्रोल यूनिट करता है, सभी प्रोसेस को कंट्रोल। अब देखिए प्रश्न संख्या 41 है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए एक विधि एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इन्हीं निर्देशों का जो समूह होता है उसी को हम लोग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें देखा तथा स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर के श्रेणी में आते हैं, जैसे कंप्यूटर की इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस आदि सभी हार्डवेयर हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर के जिन भी भाग को आप छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जो चीजें दोस्तों आपको कंप्यूटर में दिखाई दे रही हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वह सभी कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, यह सभी क्या होते हैं, यह सभी हार्डवेयर में आते हैं। फिर हार्डवेयर में हम लोग देखते हैं कि कौन सा हार्डवेयर इनपुट है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यह सभी दोस्तों प्रश्न आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक प्रकार है, जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। आप अलग से एप्लीकेशन कंप्यूटर में डाउनलोड करते हो, उसे इंस्टॉल करते हो और उसे आसानी से आप चला पाते हो। अब दोस्तों कंप्यूटर आप जब भी ऑन करते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, वह कंप्यूटर वैसा करता है। जिस भी हार्डवेयर से आप माउस से लेफ्ट राइट बटन जो दबा रहे हो, कीबोर्ड से जो बटन दबा रहे हो, वैसा काम कंप्यूटर में हो रहा है। तो यह केवल हार्डवेयर का कमाल नहीं होता है दोस्तों, यह कमाल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर में आपके पहले से एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, जो आपके हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए बनाया गया होता है। और आप जो अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करके चलाने वाले हैं, उनके लिए बनाया गया होता है। तो दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत होती है वह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जैसे आप घर बना रहे हैं, तो घर बनाने में सबसे पहला जो स्टेप होता है वह न्यू बनानी होती है। तो न्यू समझ लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वह न्यू होता है, सभी सॉफ्टवेयर की न्यू है।
और यही सिस्टम को चलाने का भी कार्य करता है, सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक प्रकार है, जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 44 है, सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह आप लोग याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है 45 नंबर, इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा और निर्देश जो होते हैं वह प्रविष्ट किए जाते हैं। मतलब कि आप कंप्यूटर को डेटा देते हो और निर्देश देते हो कि क्या काम करना है, यह किसके माध्यम से होता है? यह इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से होता है। इनपुट डिवाइसेस कौन-कौन सी? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, यह सभी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब चलिए देखिए प्रश्न संख्या 46 है, आउटपुट किसे कहते हैं? तो प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणाम जो हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं उसे आउटपुट कहते हैं, या वह आउटपुट कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें नापी जाती है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है वह मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 48 है, कंप्यूटर की द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो इस प्रकार की मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह अस्थाई अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि द्वितीयक मेमोरी जो होती है उसको आप कंप्यूटर में अलग से भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क हम लोग अलग से लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, तो यह सभी मेमोरी क्या होती हैं? यह सभी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। और इसमें जो आपने डेटा एक बार स्टोर कर दिया, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी फोटोज हैं, वीडियोस हैं, तो यह कंप्यूटर के बंद होने के साथ डिलीट नहीं होती हैं। जो भी आपके हार्ड डिस्क में डेटा होता है वह वैसा का वैसा बना होता है, वैसा का वैसा बना रहता है, चाहे आपका कंप्यूटर ऑन रहे चाहे ऑफ रहे। अब देखिए प्रश्न संख्या 49 है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है उसके नाम लिखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वह दो प्रकार की होती है, प्राइमरी या मुख्य मेमोरी पहली मेमोरी होती है, और दूसरी मेमोरी होती है द्वितीयक या सहायक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रिंटर क्या है? तो दोस्तों प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, इसे सिस्टम यूनिट से जोड़ा जाता है। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रिंटर क्या करता है, यह जो भी आउटपुट हमें कंप्यूटर से प्राप्त होता है उसे प्रिंट करने की क्षमता रखता है, प्रिंट करने वाली डिवाइस होती है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सॉफ्ट कॉपी में, जो भी आप डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो भी आपको आउटपुट मिला होता है उसे आप हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से, और प्रिंटर भी सिस्टम से जुड़ा होता है, यह भी सिस्टम का पार्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सेकेंड यूनिट जो कंप्यूटर सिस्टम है, सभी बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन समाप्त तो होते हैं। अब यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस ना हो। और दोस्तों ऐसे ही सभी चैप्टर्स हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, और सभी विषयों के इसी प्रकार रिवीजन चल रहे हैं, तो सभी विषयों के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस विषय के सभी महत्वपूर्ण जो सीरीज के बहुविकल्पी अति लघुत्तरी प्रश्न है वह भी हमने एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया है। आपके जो पुराने वर्षों के पेपर हुए हैं उनको पूरा एक्सप्लेन करके हाथ से लिख करके सॉल्व कराया, ताकि आपको पता लग सके कि कैसे हमें एग्जाम में उत्तर लिखना है। और कोई भी कंफ्यूजन आपको दोस्तों होती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, कोई प्रॉब्लम होती है, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए।
सभी वीडियोस को देखना आप लोग दोस्तों मत भूलिए। अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन रखिए और एकदम अच्छे नंबर आप लोग स्कोर करिए अपने एग्जाम में। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप लोग सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।